Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. It's me Sanjana. So आज मैं अपना morning skincare routine आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ, जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ अपने morning skincare routine में. और ये बिल्कुल honest होने वाला है. मैं अपना honest skincare routine आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ, जो कि मैं everyday basis पर करती हूँ. So without further ado, let's get into the video. सो मैं ऑलरेडी फेस वॉश कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले अभी नहा कर आई हूँ. और फेस वॉश के लिए मैंने डॉट एंड की का ये फेस वॉश यूज़ किया था. ये है विटामिन सी सुपर ब्राइट फोमिंग फेस वॉश, और इसमें विटामिन सी है, ब्लड ऑरेंज एंड पपाया एक्सट्रैक्ट है, सल्फेट्स फ्री फॉर्मूला है ये. ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा रिफ्रेशमेंट देता है ये मेरे फेस को जब भी मैं इससे फेस वॉश करती हूँ. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं. उसके लिए मैं ये DIY ACV टोनर यूज़ करने वाली हूँ. इसे मैंने खुद से बनाया है, एप्पल साइडर विनेगर टोनर. इसे मैं अप्लाई करने के बाद टैप टैप करती हूँ अपने फेस पर. स्किन केयर में नेक को कभी मत भूलना, वरना आपका जो फेस है वो तो हमेशा अच्छा रहेगा, लेकिन जो आपका नेक है उसमें एजिंग बहुत जल्दी हो जाएगा. इसके बाद मैं एक मिनट वेट करती हूँ. अपने हर एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मैं एक एक मिनट का गैप देती हूँ, ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से मेरे स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए. मैं हेडबैंड यूज़ करती हूँ हमेशा, ताकि मेरे जो बाल हैं वो मेरे चेहरे पर ना आए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है अपने स्किन केयर रूटीन में. सो इसलिए मैं हेडबैंड यूज़ करती हूँ हमेशा. इसके बाद मैं सीरम यूज़ करूँगी, और सीरम के लिए मैं डॉट एंड की का 10% विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट फेस सीरम यूज़ करने वाली हूँ. एंड इसमें भी ऑरेंज ब्लड है और पम्पकिन एक्सट्रैक्ट है. ये प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री है, और ये जो है हमारे स्किन के डलनेस, पिगमेंटेशन, अनइवन टोन, डार्क स्पॉट्स, ओपन पोर्स, अर्ली एज साइंस को कम करता है और हमें ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है. सो मैं इसे अपने पाम पर 2-3 ड्रॉप्स प्रोडक्ट लेती हूँ, और अपने फिंगर्स की हेल्प से इसे अपने फेस पर लगाती हूँ. मैं इसे डैब डैब करके अप्लाई करती हूँ, इसे रब नहीं करती. विटामिन सी को रब करने से जो है इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है, और जो रेसिड्यू प्रोडक्ट है उसे मैं अपने नेक पर लगा लेती हूँ. इसके बाद मैं फिर से एक मिनट तक वेट करूँगी कि ये जो सीरम है वो मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से. इसके बाद मैं आगे का जो रूटीन है उसे फॉलो करती हूँ. सो एक मिनट हो चुका है मुझे सीरम अप्लाई किए हुए. इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं डॉट एंड की का ही विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ. ये मॉइस्चराइज़र जो है ये भी काफ़ी लाइट वेट है, क्विक अब्जॉर्बिंग है, स्किन में काफ़ी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है. समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट मॉइस्चराइज़र है. काफ़ी अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करता है ये फेस पर इसे यूज़ करने के बाद. मैं इसे अच्छे से एक मिनट तक अपने फेस पे मसाज करती हूँ, जिससे फेस पे जो पफिनेस वगैरह होती है सुबह उठने के बाद वो कम हो जाती है. तो अब मॉइस्चराइज़र जो है वो मेरे स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है. मैंने एक मिनट तक बहुत अच्छे से अपने फेस को मसाज किया है. इसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ करने वाली हूँ, और सनस्क्रीन के लिए मैं डॉट इन की स्किन केयर का विटामिन सी प्लस ई ब्राइट सुपर ब्राइट सनस्क्रीन यूज़ करने वाली हूँ. ये जो है वाटर लाइट फॉर्मूला है इसका, और इसमें SPF 50 PA++++ है,
ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये बहुत ही हाइप प्रोडक्ट है और मुझे ये प्रोडक्ट पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही क्विक अब्सॉर्बिंग है। मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी रनी है, वाटरी है, जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है फेस में। बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता ये, बिल्कुल भी नहीं। और जो फेस है वो काफ़ी ग्लोई दिखता है। एज यू कैन सी ये विद इन अ मिनट अच्छे से ब्लेंड हो गया, स्किन में अब्सॉर्ब हो गया और इसने काफ़ी अच्छा सा ग्लो दिया है मेरे फेस पर। मुझे ये सनस्क्रीन पर्सनली बहुत 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 पसंद है। अगर आप कोई अच्छा सा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो अपने लिए तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। और बहुत ही अच्छा है ये, अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी ये सनस्क्रीन, अगर आप सनस्क्रीन लेना चाहते हो तो ये सनस्क्रीन लेना। तो मेरा स्किन केयर हो चुका है, इसके बाद मैं एक लास्ट स्टेप है जो करती हूँ और उसमें मैं लिप बाम अप्लाई करती हूँ। लिप बाम के लिए मैं निव्या का लिप बाम यूज़ करती हूँ एंड इसका वेरिएंट है वाटरमेलन शाइन। काफ़ी अच्छा टिंटेड सा है ये लिप बाम। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस स्किन केयर रूटीन में यूज़ किए हैं सारे ही बहुत ही अफोर्डेबल है, अंडर ₹500 है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। सो बाय।